कमलनाथ जी, विवेक तनखा जी, सुरेश पचौरी जी, रामेश्वर निकरा जी, पीसी शर्मा जी, तरुण भनोट जी, हर्ष यादव जी, साजिद अली जी, देवेंद्र पटेल जी, मैथिली शरण जी, मुमताज खान जी, कपिल फौजदार जी, कैंडिडेट दीवान शैलेंद्र सिंह जी, लीडर पे डायस पे हमारे सब नेता, पार्टी के कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, युवाओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। गर्मी में आप आए, बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये भैया, ये आज मेरा, सुनो सुनो सुनो, नहीं मजे की बात सुनो, आज मेरा अभी आने से पहले जर्नलिस्ट इंटरव्यू कर रहे थे, से सवाल पूछ रहे थे, तो उधर मैंने कहा, और सच्चाई है कि ये जो नारा है जो इतना प्यारा है, ये कहां से आया। मैं छत्तीसगढ़ में था, भाषण दे रहा था, और ऐसी भीड़ में मैंने कहा कि चौकीदार जी ने वायदे किए, चौकीदार जी ने कहा कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, चौकीदार जी ने कहा 15 लाख रुपए, चौकीदार ने कहा सही दाम दिलवाऊंगा। मैं बोल रहा था और साइड पे 10-15 युवा खड़े थे, देख रहे थे, सुन रहे थे, और जैसे मैंने बोला चौकीदार, वो उन्होंने बोला चोर है। मैंने ठीक से नहीं सुना, तो मैंने कहा भैया फिर से बोलो जरा, कहते हैं चोर है। तो ये जो आवाज आई है, ये जनता के दिल से, युवाओं के दिल से आवाज आई है। ये मेरा नारा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का नारा नहीं है, ये देश के किसान का, मजदूर का, बेरोजगार युवा का, माताओं बहनों का नारा है। और ये भैया, ये ऐसा चला है, देखिए किसी भी मीटिंग में जाता हूं, थोड़ी देर ठंडा करना पड़ता है, कहना पड़ता है भैया बोलना है, अभी मुझे बोलना है, रुक जाओ, नहीं तो ये एकदम मतलब चालू हो जाता है, रुकता नहीं है। जैसे देखो मैं एक बार बोलूंगा चौकीदार, बट और इसको कैसे भी बोलो, चौकीदार चौकीदार, किसी भी स्टाइल में बोलो, जवाब वही मिलता है, चोर है चोर है चोर है। और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में भी पूछ लो, कहीं भी जाके बोल लो, छोटे से छोटे गांव में चले जाओ, वहां पे मतलब आपको कोई बुजुर्ग मिले, उसके पास जाओ, कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस चौकीदार जवाब मिलेगा पटाक। और आपने नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखा होगा, पहले 5 साल पहले, मित्रों 56 इंच की छाती है, 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, और अब 56 इंच की छाती छोड़ो, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के स्पीच दे रहे हैं, 2 आईने लगते हैं, एक इस साइड एक इस साइड, देख के पढ़ते हैं भैया, उधर से कंट्रोलर कहता है भैया गलती से भी किसानों की बात मत कर देना, नुकसान हो जाएगा, वो उधर से कहते हैं भैया इस आईने में आता है भैया 15 लाख की बात मत करना, वो कांग्रेस ने 3,60,000 रुपए की बात कर दी है, 5 साल में देने वाले हैं, आप गलती से भी मत बोल देना। मतलब नरेंद्र मोदी जी को कुछ बोलने का ही नहीं बचा, कहते हैं नहीं सुनिए, अभी कमलनाथ जी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हो, पुलवामा में जब बम ब्लास्ट हुआ,
किसकी सरकार थी, किसकी सरकार थी? अभी महाराष्ट्र में जो हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं, किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है क्या? बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में, बीजेपी की सरकार दिल्ली में, प्रधानमंत्री इसके बारे में क्यों नहीं कहते? अब देखो, इतनी बातें चली, आपसे उन्होंने कहा 15 लाख रुपए दूंगा। अब मैंने भी सुना भाषण, मैंने भी सुना कि भाई 15 लाख हर बैंक अकाउंट में, 15 लाख हर बैंक अकाउंट में। उसके बाद में अमित शाह कहता है ये तो झुमला था, ये तो हमने ऐसे ही कह दिया। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, ये आपके लिए झुमला था, ये कांग्रेस पार्टी के लिए झुमला नहीं था। 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस के सीनियर नेताओं को बुलाया, कमरे में बैठाया, चाय पिलाई, उनसे कहा देखिए भैया, ये जो चौकीदार है ये कहता है 15 लाख का झुमला है, मगर इसने जनता को बताया था कि ये बैंक अकाउंट में पैसा डालेगा, और प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला। जनता के दिल में, हिंदुस्तान की आत्मा में एक सोच जागी कि हां, हमारे बैंक अकाउंट में भी पैसा डाला जा सकता है। उस सोच का धोखा, उस सोच का मजाक, उस सोच का अपमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। या तो उन्होंने पहले कहना ही नहीं था कि नहीं, 15 लाख नहीं दूंगा, मगर एक बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कह दिया, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने शब्द बोले तो उसमें वजन होना चाहिए। तो मैंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहा, देखिए आप एक बात पता लगाइए, नरेंद्र मोदी जी झूठ बोला, आप सच्चाई पता लगाइए। किस बात की सच्चाई? मैंने कहा देखिए, मैं और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है, मन बना लिया है, हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, और धमाके वाला मैसेज, छोटा मैसेज नहीं, जैसे मतलब दिवाली में बम फटता है ना धड़ाम से, वैसा मैसेज देना चाहते हैं। मुझसे पूछते क्या? मैंने कहा नरेंद्र मोदी ने 15 लोगों को लाखों करोड़ रुपए पकड़ाए, 5,55,000 करोड़ रुपए पकड़ाए, नाम आप जानते हो? देखो मैं बताता हूं, नाम आप जानते हो? पहला नाम मैं लूंगा, दूसरा नाम आप लेना, नीरव, मेहुल, विजय, ललित, अनिल, नरेंद्र, नाम आप जानते हो? अच्छा भैया एक बात बताओ, ये सब नरेंद्र मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी, ये सबके नाम एक ही कैसे हैं? खैर, मैंने बोला, मैंने वापस आपको कमरे में ले जाता हूं, मैंने कहा देखिए, इन्होंने 15 लोगों को दिया, मैंने और कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया है कि हम 25 करोड़ लोग को देना चाहते हैं। जैसे आज नरेंद्र मोदी जी का चेहरा शौक में है ना, आपने देखा कि ऐसे बिल्कुल क्या हुआ ये, वैसे ही चिदंबरम जी हिल गए, ये आपने क्या कह दिया? मैंने कहा क्या कहा? राहुल जी, 25 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान की सरकार पैसा कैसे देगी? मैंने कहा भैया 15 लोगों को उन्होंने दिया है, मेरे पास लिस्ट है, 5,55,000 रुपए दिए, तो अगर वो 15 को 5,55,000 दे सकते हैं तो हम 25 करोड़ को 5,55,000 दे सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? कहते हैं ऐसा काम किसी सरकार ने नहीं किया। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरा क्या लेना देना, हम करना चाहते हैं, तो आप मेरे लिए एक काम करिए, वापस जाइए, दुनिया के सबसे बेहतर इकोनॉमी से आप बात करनी है बात कर लीजिए, जिससे आपने बात कर लिया कर लीजिए, वापस आएंगे तो मैं चर्चा नहीं करना चाहता, मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता, मैं नंबर चाहता हूं, आप मुझे एक नंबर देना, कौन सा नंबर,
वो नंबर जो कांग्रेस पार्टी और मैं हिंदुस्तान के 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में डाल दें। गए, वापस आए, भाइयों और बहनों कागज पे मेरे सामने उन्होंने प्यारा नंबर लिखा 72,000। भैया लिखो इसमें जरा 72,000, बड़ा लिखना 72,000। ये देखो, ए जैसे लिखो लिखो, हाँ रुपए 72,000 बॉस। जैसे जैसे इन्होंने अभी लिखा 72,000, वैसे वहां पे लिखा गया। अब मैंने उनसे पूछा, देखिए ये आपने 72,000 लिखा है कितने लोगों के लिए? कहते हैं राहुल जी, आपने कहा था 25 करोड़ लोग, हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोग, 5 करोड़ परिवार। फिर मैंने कहा ठीक है, कितने समय में? 72,000 रुपए एक साल में, 10 साल में, 15 साल में? कहते राहुल जी 72,000 रुपए एक साल के अंदर। फिर मैंने कहा ठीक है, सिर्फ एक साल के लिए? कहते नहीं। मैंने कहा कितने साल के लिए? 5 के लिए? कहते नहीं। मैंने कहा 10? नहीं। तो फिर मैंने कहा कितने सालों के लिए? कहते हैं राहुल जी हमने कैलकुलेशन कर ली है, जब तक किसी भी व्यक्ति की आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम होगी, उस दिन तक उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में 72,000 रुपए साल का जाएगा। मैंने कहा भैया ये आपने बात करी, मैंने एकदम बोला ये आपने मजे की बात की, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सच बताओ तो मैं भी हिल गया। 72,000 रुपए साल के, 360,000 रुपए 5 साल के, 25 करोड़ लोगों को, उस दिन तक जब तक उनकी आमदनी 12,000 रुपए से ज्यादा ना हो जाए। कमाल की बात की आपने। अच्छा एक बात बताइए, नोटबंदी से नुकसान हुआ था, इकोनॉमी की धजियां उड़ गई, छोटे दुकानदार मर गए, गब्बर सिंह टैक्स ने नुकसान किया, छोटे बिजनेस वालों को, मिडिल साइज बिजनेस वालों को नष्ट किया। क्या अगर हम, जो कमरे में चर्चा हुई मैं आपको बता रहा हूं, क्या अगर हम ये न्याय योजना का पैसा ऐसे गरीब लोगों को दे दें, कहीं दुकानदारों का, छोटे बिजनेस वालों का, युवाओं का नुकसान तो नहीं होगा? मैं नुकसान नहीं करना चाहता हूं। कहते राहुल जी हमने पूरा देख लिया है, नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। मैंने कहा बताइए कैसे, फायदा कैसे हो सकता है? कहते राहुल जी जब नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, तो उन्होंने हिंदुस्तान की जनता के जेब में से, घरों में से पैसा छीना, निकाला। जैसे ही उन्होंने पैसा निकाला, हिंदुस्तान के लोगों ने माल खरीदना बंद किया, पैसा ही नहीं था, नोटबंदी में चला गया, गब्बर सिंह टैक्स उठा के ले गया, पैसा ही नहीं था, किस चीज से खरीदे? दुकानदारों को नुकसान हुआ, दुकानदार कुछ बेच नहीं पाए। जैसे ही दुकानों में माल नहीं बिका, वैसे ही फैक्ट्रियों के मालिक ने कहा भैया यहां पे तो प्रॉब्लम हो रही है, बंद करो। हिंदुस्तान की सारी फैक्ट्रियां एक के बाद एक बंद होने लगी। जैसे ही फैक्ट्रियां बंद होने लगी, वैसे फैक्ट्री के मालिक आए, जो युवा फैक्ट्री में पहले बात काम करते थे उनसे कहा भैया इधर आओ, सुनो, हाँ बताइए, चलिए आप वापस घर जाइए, आपकी यहां कोई जरूरत नहीं, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी कर दी, गब्बर सिंह टैक्स लागू कर दिया, यहां पे तो भैया कोई कुछ बन नहीं रहा, क्योंकि वहां पे कुछ खरीदा नहीं जा रहा है, तो जाइए आप घर जाइए। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। तो मैंने कहा भैया आप मुझे ये समझा रहे हो, नोटबंदी का, गब्बर सिंह टैक्स का न्याय योजना से क्या लेना देना? मैं तो पैसा डालना चाह रहा हूं, आप मुझे नोटबंदी की बात कर रहे हो, आप गब्बर सिंह टैक्स की बात बता रहे हो। कहते हैं राहुल जी सुनिए, न्याय योजना जो नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को डिमोनेटाइज किया, न्याय योजना रिमोनेटाइज करेगी।
जो उन्होंने पैसा निकाला वो पैसा न्याय योजना अंदर डालेगी, वापस डालेगी, माताओं की बहनों के घर में जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। जैसे ही पैसा पहुंचेगा वैसे ही हिंदुस्तान के लोग माल खरीदना शुरू करेंगे, वैसे ही शर्ट पैंट जूता, आप सिर हिला रहे हैं, समझ गए ना मेरी बात, जूता पैंट फोन आप लोग खरीदना शुरू करोगे। जैसे खरीदना शुरू करोगे दुकानों में माल बिकना शुरू हो जाएगा, जैसे ही दुकानों में माल बिकना शुरू हो जाएगा फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, जैसे फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी बेरोजगारी गायब हो जाएगी, खत्म। तो जैसे इंजन को जंप स्टार्ट किया जाता है, पहले इंजन में डीजल डालना पड़ता है, पेट्रोल डालना पड़ता है, ट्रक के इंजन में पहले डीजल डालो फिर चाबी घुमाओ। अब नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के इंजन से डीजल निकाल दिया, नोटबंदी कर दी, गब्बर सिंह टैक्स लागू कर दिया, डीजल उठा के उन्होंने अनिल अंबानी के हवाले कर दिया, फिर वहां बैठे चाबी घुमाते रहते हैं, दिन भर चाबी घुमाते रहते हैं, और फिर कहते भैया इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। अरे नरेंद्र मोदी बेसिक इकोनॉमिक्स समझ लीजिए, अर्थव्यवस्था को समझ लीजिए। आपने अर्थव्यवस्था से पैसा निकाल दिया, अब आपका टाइम समाप्त हो गया है, अब आप जाइए वापस। अब न्याय योजना में हम पैसा डालेंगे, जैसे पैसा डालेंगे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में डीजल जाएगा पेट्रोल जाएगा, जैसे इंजन में डीजल पेट्रोल जाएगा चाबी घुमाएंगे, धड़ाक से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी, दुकानें चालू हो जाएंगी, फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगे, युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा देखिए, मैंने कहा ये अब हमने करना है, और इसलिए आपको मैंने ये भाषण दिया, और इसलिए यहां ये युवा खड़ा है, इसको आप लोकसभा में भेजिए, ये न्याय योजना वाला बटन दबाएगा, ये वहां पे न्याय योजना वाला बटन दबाएगा, और जब ये बटन दबाएगा याद रखिए भाइयों और बहनों, 6000 रुपए महीने का, भैया अंगूठा दिखाओ, ये अंगूठा दबाएगा बटन पार्लियामेंट हाउस वाला, जैसे ये बटन दबेगा और ऐसे वहां पे कांग्रेस पार्टी के एमपीज दबाएंगे, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में महीने का 6000 रुपए, साल का 72000 रुपए, 5 साल का 3,60,000 रुपए, खटाखट 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 खटाखट। अब किसको मिलेगा? सबको मिलेगा, किसानों को मिलेगा, बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मध्यम वर्ग से पैसा लेकर न्याय योजना में डालने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आपने फिर झूठ बोला, अभी आऊंगा भैया पंप पे, अभी आऊंगा, सुन ली बात भैया, सुन ली बात। नरेंद्र मोदी जी आपने फिर से झूठ बोला, और यहां जो मध्यम वर्ग के लोग हैं मैं आपसे कहना चाहता हूं, मध्यम वर्ग से न्याय योजना के लिए एक रुपया छोड़ो एक पैसा नहीं आएगा। अब आप पूछोगे पैसा कहां से आएगा, मैं बताता हूं, अनिल, मेहुल, नीरव, ललित, विजय और आखिरी नाम नरेंद्र। हां भाई, पैसा इधर से आएगा, इन लोगों की जेब से आएगा। मैं जो लाखों करोड़ रुपए चौकीदार ने इनको दिया है, एक एक करके ये पैसा मैं आपके न्याय योजना में डालने जा रहा हूं, मैं नहीं कांग्रेस पार्टी। और ये आवाज, ये मैं किसका जवाब दे रहा हूं? उन युवाओं का जवाब दे रहा हूं जिन्होंने मेरी मीटिंग में बड़ी बार बोला चौकीदार न्याय योजना नरेंद्र मोदी जी, उनका और हिंदुस्तान के 1 करोड़ युवाओं को जवाब है। अगर आप 15 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दे सकते हैं, हम 25 करोड़ लोगों को लाखों रुपए दे सकते हैं। अब मजे की बात, किसानों ने, अच्छा व्यापम भैया, व्यापम में कमलनाथ जी, व्यापम में बीजेपी के नेताओं ने मध्य प्रदेश के युवाओं के जेब में से पैसा छीना, सही बात। अच्छा आप बताओ, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, होना चाहिए कमलनाथ जी, होना चाहिए कमलनाथ जी, करेंगे पूरा, बिल्कुल हो गया काम, हो गया काम व्यापम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसानों ने हमें कहा देखिए राहुल जी, सबसे बात की हमने, अब भैया ठहर जाओ, अब भैया तंग मत करो, भाषण चल रहा है, डिस्टर्ब मत करो,
किसानों ने हमें कहा देखिए राहुल जी एक बात समझा दीजिए, हम कर्जा लेते हैं 20,000-30,000 रुपए का कर्जा लेते हैं, हमें हम वापस नहीं देते, आंधी आ जाती है, तूफान आता है, नुकसान हो जाता है, वापस नहीं देते, हमें जेल में डाल देते हैं। ये अनिल अंबानी ने 45,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया, इसको नरेंद्र मोदी ने राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कर्जा माफ कर दिया और ये जेल के बाहर है। नीरव मोदी बाहर है, विजय माल्या बाहर है। इसके बारे में आपको क्या लगता है राहुल जी? बिल्कुल गलत लगता है राहुल जी, इसके बारे में कुछ कीजिए। कांग्रेस पार्टी से हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके बारे में कुछ करे। मैं बताता हूं क्या किया, मैनिफेस्टो में एक लाइन डाल दी, 2019 के चुनाव के बाद कानून बदला जाएगा, हिंदुस्तान का कोई भी किसान, किसी भी प्रदेश का किसान, कहीं का भी किसान कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जाएगा। मोदी जी, आप अगर उनको जेल में नहीं डालोगे तो हिंदुस्तान के किसान जेल में नहीं जाएंगे। और होशंगाबाद के किसानों, एक और बात आपके लिए, 2019 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम आपके आदर के लिए पहला काम एकदम बिना रुके दो बजट होंगे, एक नेशनल बजट होगा और नेशनल बजट से पहले, बाद में नहीं पहले, किसानों का अलग बजट पेश किया जाएगा। उसमें हिंदुस्तान के सब किसानों को, होशंगाबाद के किसानों को पहले ही बता दिया जाएगा, इस साल आपको इतनी एमएसपी दी जाएगी, इतने स्टोरेज यूनिट आपके लिए लगाए जाएंगे, होशंगाबाद में इस प्रकार के फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जाएंगे, मुआवजा आपको इतना मिलेगा, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी किसानों के खेत के लिए दी जाएगी। पूरा का पूरा साल के शुरुआत में, हर साल शुरुआत में हिंदुस्तान के किसान का आदर करने के लिए, हिंदुस्तान के किसान को बताने के लिए कि आप हिंदुस्तान की शान हो, आप हिंदुस्तान की शक्ति हो, हम आपके लिए एक बजट तैयार करेंगे। दस दिन का वायदा किया था, दो दिन में कमलनाथ गहलोत जी, बघेल जी ने कर्जा माफी का काम शुरू कर दिया। 72,000 करोड़ रुपए का हमने कर्जा माफ किया था, यूपीए की सरकार थी उस समय भी, नरेंद्र मोदी ने कहा था पैसा कहां से आएगा, हमने दिखा दिया, 10 दिन के अंदर हमने दिखा दिया पैसा कहां से आएगा। भाइयों और बहनों, पैसे की कोई कमी नहीं है। आपको नोटबंदी में लाइन में खड़ा किया, सारा का सारा पैसा, ये जो हमारी बहनें आई हैं, माताएं आई हैं, सारा पैसा आपकी जेब से निकाला, छीना आपसे। आपका नाम क्या है माता जी? हां, आपका जो हाथ उठा रही है, आपका जायसवाल जी, आपके घर से नरेंद्र मोदी जी ने पैसा निकाला है। नोटबंदी के समय आपके घर के अंदर आकर आपका पैसा नरेंद्र मोदी जी ने छीन कर उस चोर अनिल अंबानी को दिया है। और आप अकेले नहीं हैं, आप जैसी लाखों करोड़ों महिलाएं हैं जिन्होंने पैसा बचाया था, भविष्य के लिए बचाया था, बच्चों के लिए बचाया था, माता पिता के लिए बचाया था, उनकी रक्षा करने के लिए बचाया था, वो पैसा नरेंद्र मोदी जी ने, जायसवाल जी, आपसे घर से छीना। पैसे की कोई कमी नहीं है, सिर्फ यह बात है कि नरेंद्र मोदी पूरा का पूरा पैसा उनको देता है। युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, मैं यहां आपको 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता। नरेंद्र मोदी ने आपको कहा 2 करोड़, मैंने आपको कहा न्याय योजना हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों को चालू कर देगा, लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, मगर मैं वहां नहीं रुकने वाला और मैं काम करता हूं, मैं खोखले वायदे नहीं करता हूं। मैंने पता लगाया हिंदुस्तान में आज 22 लाख सरकारी नौकरियां हैं जो भरी नहीं है। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज युवा, 27,000 युवा 24 घंटे में रोजगार खोते हैं,
नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, 27,000 24 घंटे में खोते हैं, चाइना में 50,000 को 24 घंटे में रोजगार मिलता है, हिंदुस्तान 27,000 युवाओं से रोजगार छीनता है 24 घंटे में, और उस हाल में 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एक साल के अंदर 22 लाख नौकरियां मैं आपके हवाले कर दूंगा, कांग्रेस पार्टी आपके हवाले कर देगी। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, कांग्रेस पार्टी 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दे देगी। और यहां जो भी युवा बिजनेस चालू करना चाहते हैं, आप ईमानदार हो, आप नीरव मोदी जैसे चोर नहीं हो, नीरव मोदी के हाथ खोल रखे हैं नरेंद्र मोदी ने और आपके हाथ पर हथकड़ी बांध रखी है, यह जो हथकड़ी नरेंद्र मोदी जी ने आपके हाथों पे बांधी है उसको मैं तोड़ने वाला हूं, कांग्रेस पार्टी तोड़ने वाली है। अब देखिए मजेदार बात सुनिए, होशंगाबाद में लाखों युवा नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, चाइना से कंपटीशन करना चाहते हैं, मेड इन इंडिया करना चाहते हैं, मगर जब भी आप बिजनेस खोलना चाहते हो आपको सरकार के डिपार्टमेंट में जाके परमिशन लेनी पड़ती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाओ परमिशन लो, एक डिपार्टमेंट में जाओ परमिशन मांगो, कहते हैं हां भैया 10-15 दिन लगेगा वापस आ जाना, दूसरे डिपार्टमेंट में जाओ 6-7 महीने लगते हैं, पता लगता है कि परमिशन 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 लेते लेते बिजनेस ही चालू नहीं हो पाया। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, होशंगाबाद का कोई भी युवा, मध्य प्रदेश का, हिंदुस्तान का कोई भी युवा अगर बिजनेस चालू करना चाहता है, अगर रोजगार पैदा करना चाहता है, उसे किसी सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। छोड़िए छोड़िए, कोई परमिशन की जरूरत नहीं, आप काम करिए, शुरू करिए, चाइना से मुकाबला करना है, मेड इन चाइना को मेड इन इंडिया से हराना है, यह असली लक्ष्य है। मोबाइल फोन पे मेड इन इंडिया, मेड इन होशंगाबाद, शर्ट के पीछे मेड इन होशंगाबाद, मेड इन मध्य प्रदेश, यह सच्ची लड़ाई है, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आप काम शुरू करो, बिजनेस चालू करो, 3 साल बाद जब आपका बिजनेस तैयार हो जाएगा, 30-40 लोग आपके साथ काम करेंगे, युवाओं को आपने रोजगार दिया होगा, तब 3 साल बाद आप सरकारी ऑफिस में जाना, कहना भैया आप परमिशन दे दो, मेरे पास मेरा बिजनेस है, चालू हो गया है, मैं हिंदुस्तान को रोजगार देता हूं, अब आप मुझे परमिशन दीजिए, तब आपके हाथ में समय होगा, जेब में पैसा होगा, आसानी से आप परमिशन लेना, और अगर आप बिजनेस चालू नहीं कर पाए तो छोड़िए, कोई परमिशन की जरूरत नहीं, यह कांग्रेस पार्टी की सोच, कांग्रेस पार्टी की सोच। और यह कैसे कांग्रेस पार्टी कैसे करती है, आपके पास आते हैं, आपसे पूछते हैं, किसानों के पास आते हैं पूछते हैं, मंदसौर में गोली चली, कौन गया, कांग्रेस पार्टी गई, मैं गया, नरेंद्र मोदी गए, मंदसौर के शहीद किसानों से उन्होंने बात की ना, हम आपके पास आते हैं, किसानों के पास, युवाओं के पास, माताओं बहनों के पास, आपसे पूछते हैं, आप मालिक हो, एक बात बिल्कुल क्लियर है, मालिक आप हो, ऑर्डर आप देते हो, मन की बात आपकी सुननी है, और जो आप हमें ऑर्डर दोगे उसको हम पूरा करेंगे, जहां भी दर्द है हिंदुस्तान में, जहां भी दर्द है, चाहे किसान के दिल में, चाहे युवा के दिल में, माताओं बहनों के दिल में, छोटे दुकानदार के दिल में, जहां भी दर्द है, जहां भी दुख है, वहां कांग्रेस पार्टी जाएगी, आपकी आवाज सुनेगी और आपकी मदद करेगी। दूसरी तरफ देखिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री लाल किले पर खड़े होते हैं, पीछे झंडा, मित्रों मेरे आने से पहले हाथी सो रहा था, हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ मेरे आने से पहले, मित्रों नरेंद्र मोदी आया तो हिंदुस्तान जगा, हर 10 दिन उनकी मन की बात सुनो,
मन की बात मन की बात मन की बात, कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को नरेंद्र मोदी जी आपकी मन की बात में। आप जनता की मन की बात सुनिए, किसान की मन की बात सुनिए, मजदूरों की मन की बात सुनिए, युवाओं की मन की बात सुनिए, उस पर काम कीजिए, फिर देखिए देश को मजा आएगा। आपको प्रधानमंत्री इसलिए बनाया गया है, तो निर्णय आपको लेना है। एक तरफ सच्चाई, प्यार, भाईचारा, दूसरे तरफ नफरत, अन्याय, झूठ। कांग्रेस पार्टी को जिताइए, युवा प्रत्याशी हैं इनको भेजिए दिल्ली, भारी बहुमत से भेजिए, लंबा लंबे समय आपके लिए काम करेगा। अब अंत में महिलाओं को थोड़ा कह देता हूं, आपके बारे में मैंने आज इतना नहीं बोला तो अंत में आपके बारे में बोलता हूं। यहां बहुत सारे पुरुष हैं इस साइड, यहां पे महिलाएं बैठी हैं। अब आप भैया मुझसे गुस्सा मत होना, गुस्सा मत होना, मैं जो कहने जा रहा हूं, न्याय योजना का जो पैसा है वो 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में जा रहा है। बाद में मत कहना ये आपने क्या कर दिया, ये आपने क्या कर दिया, महिलाओं के बैंक अकाउंट में डाल दिया। वो आपके बीच में उनके बीच में है, आपके बीच में उनके बीच में है, वो आपका पैसा होगा, वो आपके ऊपर है। मैं बैंक अकाउंट में, कांग्रेस पार्टी बैंक अकाउंट में 72,000 रुपए साल के, 3,60,000 रुपए 5 साल के डाल देगी। आखिरी बात महिलाओं की, 33% रिजर्वेशन नेशनल गवर्नमेंट में महिलाओं के लिए नौकरियों में, रोजगार में, और 33% रिजर्वेशन लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में हम आपके लिए करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपके भी चेहरे हिंदुस्तान की महिलाओं के चेहरे लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में दिखाई दे। अब शाम का समय है, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप दूर दूर से आए, इतने प्यार से, इतनी शांति से आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।